ले जी ये मेरी दुख भी देख लें। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है ईद का दूसरा दिन और सुबह हो चुकी है, नाश्ता भी हमने कर लिया है। अब ऐसा है कि कल बच्चों को हमने ईदी दी थी, तो कुछ बच्चे रहते हैं उनको अभी ईद देनी है हमने, तो चलते हैं नीचे। वो बच्चे आ चुके हैं और जाके ईदी देते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या होता है इस वीडियो में। और फिर उसके बाद समीना के घर भी जाना है हमने, और वहाँ भी देखते हैं किस किस से हम जाके ईदी मिलते हैं, कौन कौन से मेहमान आए हैं। तो चलें समीना रेडी हो, अभी नीचे जाते हैं और देखते हैं और बच्चों को ईदी देते हैं। ठीक है, आ जाए। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक। बच्चे की ईद होती है, ये बच्चों को ईदी मिल जाए, बच्चे खुश हो जाते हैं। ईदी मिल गई थी कल ना? हां, अब बारी है आयत की। आयत की ईदी देते हैं, आयत की ईदी देते हैं। सब बच्चों को सेम दी है ना, अभी मॉल पे भी इतने दी थी। ठीक है, मिल गई। बैग किधर है आपका? बैग भी डाल लो। अब अब्दुल्ला इधर है, ये है अब्दुल्ला की। चलो पकड़ लो। हाँ ठीक है, और ये रही ईद आमना की। जैसे सारी बहनों को मैंने ईद दी है, आमना की भी ईद है ये। थैंक यू। ये मतलब 1000 रुपए ना, अगर कोई भी दे देना, ये बहुत बड़ी बात। तो चलें जी, ईद वगैरह हम लोगों ने मिल लिया है और ईदी दे भी दिया सबको। अब हम लोग जाएंगे ससुराल में और वहाँ पे भी सब वेट कर रहे हैं। तो ये है जी मेरी सेकंड डे के लुक, के मामा के घर जा रही हूँ इस तरह से तैयार होके। तो मुझे बताइएगा मेरे पे ये सूट कैसा लगा। आप लोगों ने इस सूट की भी बहुत ज्यादा तारीफ की थी, तो आज मैं मामा के घर जा रही हूँ पहन के। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया, फ्री हो गए हुए हैं, सबसे मिल लिया, ईद वगैरह दे दी है ससुराल का, सारा कुछ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब दूसरा दिन होता है मायके का, शाम हो गई है, बस अब निकलते हैं। चूड़ियां पूरी पहनूंगी जब थोड़ा रास्ता पास आ जाएगा, और बाल भी खोलूंगी। अभी मैंने बालों को ऐसे टाइप कर लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। अनफा को आप लोगों को दिखाती हूँ, अनफा कैसी लग रही है। माशाल्लाह, ये देखें जी, ये है जी हमारी प्यारी सी डॉल, जो कि हर वीडियो में बता चुके हैं बीमार है, लेकिन कोई नहीं, चलते हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह। तो नीचे चलते हैं, दादो से मिलते हैं और फिर निकलते हैं। ले जी ये मेरी लुक भी देख लें समीना के साथ, क्योंकि अगर ये लुक ना लेते नाराजगी पड़ जानी थी कि मेरी लुक नहीं दिखाई। लेकिन मैं मुन्ना भाभी को मैं ले गई, मैंने हमारी लुक दिखाई। अब आप लोग बताइएगा हम लोग कैसे लग रहे हैं। मैचिंग की है। तो ये ना चांद रात के ना रात के 4 बजे हमने ये सूट लिया था, खरीदा खरीदा नहीं था हमने। आप लोग बताइएगा कैसे लगे। मिलते हैं फिर एक दिन के बाद, हम जा रहे हैं आज दूसरे दिन ससुराल डे में। ओके, वो क्या पकड़ा है? अच्छा ज़ियान ने पकड़ा हुआ था। चले अम्मी से मिलते हैं और फिर निकलते हैं। चले आज बच्चे बाहर ना निकल जाए, बच्चों का ध्यान रखें। अम्मी से मिलके चलते हैं फिर ससुराल डे पे। सारे आज ससुराल डे सेकंड डे पे। अनफा आप आगे बैठोगी, मम्मा को पीछे बैठा देते हैं। बहुत सूट कर रहा है ये कलर आप पर, तो पसंद किसने किया है बंदे ने? क्योंकि मुझे पता ना, वो सबसे क्योंकि बंदे को पता होता है अपनी बीवी पर क्या कलर सूट करता है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत ज्यादा। सब ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, अम्मी ने, मरियम बाजी को तो वैसे ही बहुत पसंद, सबसे मिलके आ गई है। ठीक है, तो अब बस हम निकल रहे हैं, मामा वेट कर रही हैं बहुत ज्यादा। 5:30 हो गया, हम 7:30 पहुंचेंगे ना जी, मगरिब के बाद भी पहुंचेंगे आप, तो इशा तक पहुंचेंगे। तो कल हम लोग वहीं पे रहेंगे क्योंकि कल हमारे वहाँ पे गेस्ट वगैरह भी आने हैं, उनसे भी हम लोगों ने मिलना है। और हमारी गुड़िया कैसी लग रही है इसका जरूर बताइएगा। सबसे माशाल्लाह इतना प्यार लेके आई है ना ये, शब शेख उदास हो रहे थे सारे, जा रही है ये माशाल्लाह। शूज भी पहने आज, आज तो जूता भी पहना है, सब कुछ आप लोग के कहने पे किया है मैंने, सोचा वाकई। और ये देखे खुश होना शुरू हो गया, बस अब जाते हैं फिर उनसे मिलते हैं, आप लोगों से भी मिलते हैं। अब जी गाने वगैरह लगे हुए हैं और मौसम बहुत ज्यादा प्यारा है, और ये देखिए आजकल मेरा फेवरेट सॉन्ग कैमरा बेली।
खुला हुआ है, कैमरा पहले तैयार है बस। लीना तो बड़ी अच्छी लग रही है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या हाल है? ईद मुबारक। माशाल्लाह। ये तो मेरा बच्चा है। ये तो शहजादा है अपना, खुशबू आ रही है। ये देखें जी मेरी हालत कैसी हो गई हुई है, मुझे पता ही नहीं। और तैयार मैं इस तरह से होके आई थी और 2 घंटे का सफर था और बस मेरी हालत बुरी हो गई। लीना अभी इधर आके मिलो दोबारा। और इधर चेक करें जी, अलीना से क्या प्यारा सूट पहना हुआ है। कहाँ से आया? उदास लग रही हूँ। नहीं मैं क्यों ना उदास? मुझे लग रहा है उदास है, ईद देनी पड़ गई है, भांजी आ गई है। मुझे भी दो ना, मिलते हैं ईदी, तुम्हें भी देते हैं, लेते भी हैं। तो जी हम आ चुके हुए हैं और यहाँ पे हो रहा है फोटो शूट। और अलीना यहाँ पे तो जो कमाल लग रही है, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ये देखें जी, लास्ट वीडियो में आप कह रहे थे जी आपका भाई ना वो क्या कहते हैं जेलस हो गया, बड़े भाई की तारीफ हुई है। तो मेरा भाई जैसा भाई कोई नहीं है, बहुत अच्छा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी मामा, क्या क्या बनाया आज आपने ईद के मौके पे? बिलाल का फेवरेट। इसमें ये बिरयानी। ओए होए होए होए, अभी मैं डाल के लाती हूँ टेबल पे सारा, फिर वो देखो देखना ना। हाँ। चलो सही है, ठीक है ठीक है। इतना गुस्सा आया हुआ है, आंसू देखे कहाँ तक जा रहे हैं कि मुझे बिठाया क्यों है। अनफा क्या हुआ? अनफा को अनफा रो क्यों नहीं गया? तो खाना लग चुका है, बहुत ही मजे का खाना है। तो यहाँ पर देखे पाए बने हैं मेरी फरमाइश पे, ये कोफ्ते हैं मेरी फरमाइश पे, मटन और साथ चिकन भी बना, चिकन दोनों की जो पसंद है ना उसका ख्याल रखा गया। अगर यहाँ पर पाए हैं तो यहाँ पर कोफ्ते हैं, अगर यहाँ पर मटन है तो यहाँ पर चिकन है, और चिकन स्टीम भी है, स्टीम भी है, और ये बिरयानी भी है। क्योंकि सैलेड जो है ना उसके बगैर मजा नहीं आता खाना। चलो जी, अब मैं कुछ देखता हूँ मुझे क्या खाना चाहिए। क्या खाना? पाए खाएं सबसे पहले। पाए तो नहीं, पाए ही खाएं आज। नहीं पाए मैं खाते ही नहीं। सही, स्नैन के प्यार में पाए खा लें आज आप। है ना स्नैन? खाओ खाओ, वाह बहुत ही अच्छा, वो टेंडर है। मटन नहीं ना चाची, मजे का। चलें जी, अलीना ने बनाया खाएं, फिर मैं भी इंजॉय करती हूँ। स्नैन भी यहाँ पे खा रहा है, सब लोग खा रहे हैं और अनफा अंदर नानों को तंग कर रही है। चलें जी, मैंने खाना यहाँ पे खा लिया हुआ है, बाकी सब लोग खा रहे हैं। अब मैं बाद में पीऊँगी चाय। और अनफा जो है ना, अनफा ने आके फिर से रोना शुरू किया हुआ है यहाँ पे। बस अब आप लोगों को मिलूंगी मैं थोड़ी देर के बाद, और फिर जो है ना हम लोग और गपशप लगाएंगे, ईदी वगैरह देंगे। चलें जी, खाना हम लोगों ने खा लिया। बिलाल आपको कैसा लगा खाना? बहुत मजा आया मुझे, स्मोक चिकन बहुत मजे का था, बहुत मजे का था। आप फिर ईदी वगैरह दे दें? चलें ईदी देते हैं। हाँ, सबको ईदी दी है, बस अब सबको तो पता ही नहीं चला। चाची कोई बात नहीं, रहने नानो। तो चलें जी, नानो है अनफा की मेरी चाची जो है, तो अनफा को ईदी मिल गया, अनफा को पता ही नहीं। तो चले जी, अब ईद वगैरह देते हैं, मेरी चाचू की बेटी भी है उसको भी, और साथ में जो अलीना है अलीना को भी। और अलीना से आजो, उठ जाओ ईदी खाना खाना छोड़ दो, छोड़ दो छोड़ दो, खाना बाद में भी खा लेना। ईदी तो अनपा ऐसे ऐसे करो, कहो जी जी चलो पीछे हो रो मामू। अच्छा ये मजाक कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कुछ ज्यादा है। ये लो खबरदार पकड़ी उसे, सबसे ईदिया लेके आई अपनी फूफो से, सबसे ताया ताई से, और पापा से भी मिली है, अब यहाँ से भी मिल गई है। आ
अब बारी है जी हमारी ईद देने की। अब हम लोग ईद देते हैं क्योंकि हम लोग बड़े हैं। सबसे पहले लीना को ईद देते हैं, सबसे छोटे को 50,000 लेने थे। नहीं बेटा ये ठीक है, बाबू पकड़ से लो भाई, असली इतने ही सही हैं। चलो जी अब मैं देती हूँ अपने चाचू की बेटी को, सबा को ईद देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, मेरा भी थैंक यू सुन लो आपकी। तो चले जी अब देते हैं स्नेहन को ईद दी, उसने है ना छोटा भाई। स्नेहन अद्धे अद्धे कर ली, तुसी इंज करो वड्डी भी दे दो मन, वड्डी ईद भी देना ता गोश्त हो गया ना। हां वो ईद ही होती है वो, वो तो राम ने देखो देख रही है मां चला, वो कह रही है कल का ये नोट पढ़ा नजर आ रहा है, सब ये नोट पढ़ा रहे हैं। आपको इधर 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 एक मेरा दो अनफा के माशा, नहीं इसको ताया ने दिया था, इसके यही नोट तो वो पकड़ के बैठी हुई है बस करके। चले जी बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इधर जी ईदियाँ मिल चुकी हुई हैं, ये देखिए पहले 100 वाली मिली थी, अब 50, 20, 10 सारी कॉपियाँ मिल गई, कॉपियाँ मिल गई हैं। 10 का नोट होता है, 20 का होता है, 50 का होता है, 100 का होता है, चारों मिल गई हैं। तो बस जी खुशी होती है कि ईद वगैरह देते हैं लेते हैं, यही खुशियों वाला मौका होता है, बाकी तो सब कुछ मतलब सब कुछ सबका ही होता है ना। ये देखें इनफा आपकी पहली ईद है आपकी, माशाल्लाह चारों कॉपियाँ आपके पास है, माशाल्लाह खुश हैप्पी हैप्पी हैप्पी। वो कह रहे पापा छोड़ो कैमरा बंद करो मैंने कपड़े खाने हैं, चलो खा लो कपड़े। चलो जी अनफा आ जाओ आप मेरे पास, आ जाओ मेरे पास ही रहा करो आप ना, इनको ये नहीं अनफा हो गया अमीर, ईदियाँ भी ले ले के अनफा, ये ना आप मुझे दे देनी है ठीक है, मेरे पास ही रहा करो आप, इधर आ जाओ मेरे पास, मीना से तो मिल गई है ईदी, अब हमें देने लगी है। तो बस ऐसा है कि अब हम ना आए हैं, थक भी गए हैं, ईद भी मतलब कि हमने खाने को नहीं खाई, ईद शीद मिली, सब बच्चों को ईद भी दे दी है, और ऐसा कि काफ़ी मेहमान आए हैं, और कुछ की हमने वीडियो बनाई कुछ की नहीं बनाई, और बस अब ऐसा कि अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हम आराम करें क्योंकि सफ़र भी लंबा था लाहौर से गुजरांवाला का। तो बस इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा को फॉलो करें। मेहमान आए बहुत ज्यादा वाजे, चले बस इजाजत, अनफा भी जो है ना रोड़ी है, थकी हुई है वो भी। हाँ अनफा ठीक हो, अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में बहुत जल्द, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।